उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में दोबारा वापसी की है योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी थी कि उनको बिजली फ्री दी जाएगी, यही नहीं साथ ही बिजली की दरों में जो है कमी भी की जाएगी, मगर अब उसकी तस्वीर जो है दूसरी भी देखने को मिल रही है। मैं समय हूँ रामपुर के बिलासपुर में, ये विधानसभा राज्य कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलक की है। कृषि मंत्री के इस एरिया में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर किसान नाराज है बिजली को लेकर, क्योंकि यहां पर भेदभाव के जरिए बिजली दी जा रही है, रोस्टिंग के जरिए बिजली काटी जा रही है। तो मेरे साथ इस समय कुछ लोग हैं, मैं उनसे ही बात करता हूं कि भेदभाव क्यों है इस बार यहाँ पर बिलासपुर में। सर बिलासपुर में भेदभाव नहीं है, हमारा यहाँ पे खाता में एक बिजली घर है तो वहाँ पे बिजली पूरी गोदी में है, उसमें बिजली 18 घंटे मिल रही है। ग्रीन पार्क है उसमें 24 घंटे मिल रही है। ये योगी सरकार से बिजली आ रही है, पूरी आ रही है। सर जो बिजली वाले हैं हमारे जेई साहब हैं और जो SDO हैं, ये हमारी जो लाइट हमें देनी है ये दूसरी फैक्ट्रियों में बेच रहे हैं, हमें ना देने के बजाय उन्हें वहाँ से पैसे मिलते हैं और हमारी बिजली उधर बेच रहे हैं। बस यही बात है हमारी, हम तो इसीलिए हमने कल वार्निंग दी थी जेई को और SDO को कि सुबह हम सभी किसान भाई इकट्ठे होंगे, हमें पता लगे हमारी बिजली कम क्यों आ रही है, इसीलिए हम आज किसान आए हैं। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है, और जो चोर भी रिसीव नहीं कर रहे, कोई फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, और जो चोर होता वो कभी सामने नहीं आता। आज वो चोर नहीं है तो आज हमारे साथ आके मीटिंग करें, आप धरने बैठ गए हैं, धरने बैठे गए हैं हम, जब तक बिजली हमारी को सही नहीं होती है या हमें वो लिखित रूप में हमें बताते नहीं, हम धरने से नहीं जाएंगे। आप बताइए आपकी क्या राय है, क्योंकि ये मंशा ऐसी क्यों है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे की तरीके से बिजली मिल रही है? ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब पीछे से लाइट की व्यवस्था ठीक है तो ये ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अगर लाइट की कमी है तो ये सभी के साथ बराबर होना चाहिए ना, अगर रोस्टिंग होनी है तो सभी की बराबर रोस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे की लाइट काट के आप दूसरे को दे रहे हो, किसी उद्योगपति को दे रहे हो या एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी को दे रहे हो। ये भेद हम रात भी आए थे, हमारी जय साहब से बात हुई थी, SDO साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इसका इस समस्या का बैठ के समाधान करेंगे, आपसे विचार विमर्श करेंगे। इन्होंने हमें सुबह 10 बजे का टाइम दिया था मिलने का, आज हम सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बंदा नहीं आया, इनका अधिकारी कोई बात करने नहीं आया, फोन इनके बंद हैं, अगर फोन कोई मिल भी रहा है तो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। आपने अपने मंत्री जी से शिकायत करी क्योंकि उनका एरिया? मंत्री जी से शिकायत करने हम गए थे, मंत्री जी जो है परसों लखनऊ गए हुए हैं, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में हम 4 दिन में आ जाएंगे, तो आके इनसे बात करेंगे, आप अपने स्तर पर इनसे बात कीजिए कि क्या क्या मसला है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप इनसे बात करने आए ये तो है नहीं, अब मंत्री जी 4 दिन बाद आएंगे, हम उनके समक्ष में अपनी जो है समस्या रखेंगे। कुछ लोगों की जो है आवाज आप बताइए, कुछ लोग तबादले की बात कर रहे हैं कि अधिकारी ठीक नहीं है, मनमानी कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल सही बात है, आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे 4 फीडर हैं या 5 फीडर हैं, 5 फीडर में से 2 फीडर को लाइट बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है, 22 घंटे मिल रही है, हमारे फीडर को 4 घंटे या 5 घंटे लाइट क्यों मिल रही है? ये सारा भ्रष्टाचारी की निशानी है, अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं फिर उनको लाइट की सप्लाई की जाती है। अगर रोस्टिंग होती है तो उस रोस्टिंग को 5 फीडर में बराबर बांट दिया जाए ना, क्यों ऐसा क्यों होता है कि रोस्टिंग हमारे 4-5 के लिए उनके लिए नहीं है? ग्रीन पार्क को 24 घंटे लाइट मिल रही है, ग्रीन पार्क को 24 में से 22 से 22.5 घंटे ऑन रिकॉर्ड भी इनके पास है, ठीक है जी, और हमारा रिकॉर्ड है 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे। अच्छा जो कृषि क्षेत्र है वहां पर किसानों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली नहीं आती, तो बिजली को लेकर जो है अब आप लोग धरने बैठ गए? बिल्कुल बैठे हैं, सुबह से मेरा ट्रैक्टर जनरेटर लगा हुआ है, डीजल की टंकी भर के खड़ी की है और चल रहा है, अगर कोई देखना चाहता तो समक्ष जाके देख सकता है, लाइट आई नहीं रही तो क्या करें, धान भी पालना है गन्ना भी पालना है, कहां से क्या करें? अब आपकी नहीं सुनेंगे, सरकार के नुमाइंदे तो कौन सुनेगा, अब बताइए अब क्या किया जाए इस चीज को। देखिए फिलहाल किसान धरने में बैठ गए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं, हालांकि क्षेत्र मंत्री जी का है उनसे भी शिकायत की जाएगी और इन अधिकारियों के तबादले की बात करी जाएगी। बस सवाल ये है कि ग्रीन पार्क जैसे जो सिटी बनाई गई हो उसमें 22 घंटे अगर बिजली मिल रही है तो किसानों को क्यों नहीं, ऐसा गलत रवैया क्यों है ऐसे अधिकारियों का, क्योंकि यहाँ पर कृषि लोग हैं और किसान यहाँ सबसे ज्यादा खेती करते हैं तो खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत है। तो अब जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि मैं खुद जो है डीजल जो है लगाकर ट्रैक्टर वैक्टर में और सारी खेती के लिए हम तैयारी करके आए हैं, तो हालांकि जब किसान डीजल खर्च करेगा तो बिजली का फिर क्या फायदा, हालांकि नाराजगी जाहिर है और लगातार ये लोग धरने में बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।